नमस्कार, बॉबे झामेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। NCP MLA जय दत्ता क्षीरसागर ने दिया इस्तीफा, शिवसेना में होंगे शामिल। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जय दत्त क्षीरसागर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और आज शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले जय दत्त शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके निवास मतोश्री पर मुलाकात। गौरतलब है कि बीड जिले के 6वीं विधानसभा क्षेत्र में जय दत्त अकेले रंगप्पा विधायक है, बाकी सभी भाजपा से है। बताया जा रहा है कि क्षीरसागर राकंपा से नाराज है। यह नाराजगी पार्टी द्वारा उनकी अनदेखी और उनकी स्थानीय प्रतिद्वंदी धनंजय मुंडे को अधिक महत्व देने को लेकर है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खून की दलाली वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिकायत पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR दर्ज हो या नहीं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनाया, लेकिन अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है। एक वकील ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जंतर मंतर पर बयान दिया था कि जो हमारे जवान है जिन्होंने अपना खून दिया जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मोदी को दोबारा पीएम बनाना चाहते हैं ये बुजुर्ग। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे की गिनती शुरू हो जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं की धड़कनें तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी हर जगह हलचल मची हुई है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो वोटों की गिनती की उत्सुकता को जाहिर करती है। जिले में एक बुजुर्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी आस्था है कि चुनाव के बाद से बुजुर्ग खाना पीना छोड़ते हुए उपवास पर बैठ गए हैं। बुजुर्ग का कहना है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती तब तक वह उपवास पर रहेंगे। गौरतलब है कि ऐसी एक अनगिनत संत करीब नगर जिले के कोवाताड़ गांव में देखने को मिली, जहां के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग देवराज शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी आस्था जगी है कि वह 12 मई को मतदान करने के बाद अन्य जल त्याग कर प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपवास कर बैठे हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।